विकास खंड डीघ के सुजातपुर गांव पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्राम प्रधान ललिता शुक्ला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अगवानी की। यात्रा में सांसद रमेश बिंद और प्रमुख डीघ का कार्यभार संभाल रहे मनोज मिश्र समेत भाजपा के दो पूर्व जिलाध्यक्षों समेत तमाम पदाधिकारियों ने मौजूदगी जताई। सभी का स्वागत प्रधान ललिता शुक्ला और पिंटू शुक्ला के साथ बीडीओ डीघ धनराज कोटार्य ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संदेश भी यात्रा में सुना गया। और क्या हुआ इस पूरे कार्यक्रम में, देखते हैं भदोही से मिथिलेश द्विवेदी की इस रिपोर्ट और में। प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रसारण हो रहा है, किस तरह का संदेश सुना आपने प्रधानमंत्री जी का? आज जो देश विश्वगुरु हमें प्यार प्रधानमंत्री बहुत बहुत बधाई कामना कि आज देश को पूरी तरह से विकासशील कर दिए हैं। बड़ी बात यह देखने को मिली कि डीघ विकास खंड के अधिकतर गांवों में पहुंची संकल्प यात्रा की अपेक्षा सुजातपुर गांव में ग्रामीणों की भारी भीड़ नजर आई, जिसमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही। इस दौरान सांसद प्रमुख और ग्राम प्रधान ललिता शुक्ला ने लाभार्थियों को चाबी और प्रशस्ति पत्र सौंपा। कुछ कहा है सांसद और भाजपा पदाधिकारियों ने, आइए सुनते। प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ी जितनी योजनाएं हैं वो आप तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, इसलिए इसीलिए आकर्षण आयोजित है। माननीय चौधरी का हम लोग मिलकर सम्मान करेंगे। आज तारीख में पूर्व मुख्यमंत्री नीलम गुप्ता जी का आंगवा देकर स्वागत करेंगे। मोदी जी ने भी आपको ही परिवार का मुखिया बनाया है। पहले पुरुष मुखिया हुआ करते थे, लेकिन अब राशन कार्ड में आपको ही महिलाएं को ही मुखिया बनाया गया है। माताओं बहनों के सब के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमेश बिंद जी अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमारी सरकार दे रही है उसका लाभार्थ उसका लाभ गाँव वालों को मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस सरकार में आने वाले दिन में पांच साल और तक के लिए निशुल्क अनाज देने के लिए सरकार ने बजट में पास कराने का काम कर दिया है। साथियों, सांसद के संबोधन के बाद सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद डीघ प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे मनोज मिश्रा ने लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किया। इसके बाद शपथ दिलाई गई। सांसद प्रमुख के साथ कंबल वितरण करने के बाद ग्राम प्रधान ललिता शुक्ला ने यह कहा। क्या कहेंगी आज आपके गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है? हमारे यहाँ जितना कार्य करते आए हैं सबके लिए धन्यवाद।